गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, दैट द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्री फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सो विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड हुई है ड्यू टू नेटवर्क इशू की वजह से मेरे को वीडियो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बट एट लास्ट नॉट लीस्ट मैंने कर ही दिया वीडियो अपलोड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। पहली न्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट दिल्ली ऑल सेट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट एवर ई वेस्ट इको पार्क। दिल्ली में क्या बनने वाला है, इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनने वाला है। दिल्ली में कहां, इन द नरेला डिस्ट्रिक्ट। नरेला डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, दिल्ली के नॉर्थ में आपको मिलेगा। नरेला डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के नॉर्थ में आपको मिलेगा और वहीं पर बनने वाला है इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क। ठीक है, और ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा, जो कि लगभग 20 एकड़ का एरिया में इसको बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताऊंगा, सो आप प्लीज इसका एक नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगा। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि उन्होंने कि इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्क वो लोग क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होगी, जैसे डिसमेंटलिंग का काम किया जाएगा, सेग्रीगेटिंग का काम किया जाएगा, रिफर्बिशिंग का काम किया जाएगा, स्टोरेज टेस्टिंग, प्लास्टिक रिसाइकिलिंग, प्रीसियस मेटल एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सेड ऑन थर्सडे में, किसने बताया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा बताया गया कि ये सब सारी चीजें वहां पर की जाएगी, डिसमेंटलिंग, सेग्रीगेटिंग, रिफर्बिशिंग, स्टोरेज टेस्टिंग, प्लास्टिक रिसाइकिलिंग एंड एक्सेट्रा। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पार्क इज बीइंग प्लान्ड इन नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। कहां पर ये बनाया जाएगा, ये प्लान्ड किया जा रहा है कि हम लोग नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में इसको देखेंगे, ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में ये बनाया जाएगा इन द 20 एकर्स की लैंड में इसको बनाया जाएगा। रिसेंटली जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। ओके, आप सभी को पता है गाइस कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डे पर डे बढ़ती जा रही है, डे बाई डे टेक्नोलॉजी हमेशा इंक्रीज होती जा रही है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब ई वेस्ट का आपको मतलब क्या है, ई वेस्ट में कौन कौन सी मटेरियल आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, एक्सेसरीज हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, ये सब सारी चीजें कहां आएंगी, ई वेस्ट में आएगी। तो हर दिन मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम लोग बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम लोग मूव करते जाएंगे और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम आएंगे, तो ई वेस्ट भी हमारा क्या होगा, उसका भी बल्क लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट इट इज नॉट बीइंग हैंडल्ड साइंटिफिकली। ठीक है, ये बढ़ता तो जा रहा है, ईवेस्ट हमारा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं आपको लगभग बता दूं कि दिल्ली में हर साल 2 लाख टन का ईवेस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ह्यूज है, उसको एक प्रॉपर हैंडलिंग करने का एक साइंटिफिक और सेफली मैनर होना चाहिए, नहीं तो ये लाइफ को बहुत ज्यादा थ्रेट पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी आग भी लग सकती है, फायर होकर आग भी लग सकती है। ठीक है, इसके हेल्थ इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑन ह्यूमन। ओके, सो इस इको पार्क में ये इसी के रिगार्डिंग ये इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसके अंदर रिसाइकिलिंग, रिफर्बिशिंग, डिसमेंटलिंग का काम किया जाएगा इन साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटली सेफ मैनर। ओके, उन्होंने ये बताते हुए कहा है कि और भी कोई अदर स्टेट है नहीं जो इस टाइप के चीजें पे काम कर रही है, इस फैसिलिटीज पे फोकस कर रही है, सो वी हैव बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू वर्क ऑन सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज। ओके, सो मैं आपको बता दिया कि ये चीजें यहाँ पर निकल के आए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली प्रोड्यूस 2 लाख टन ऑफ ई वेस्ट एवरी ईयर, लगभग 2 लाख टन का ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है हर साल, और उसको उसका रिसाइकिलिंग होना, उसको रिफर्बिशिंग करना, डिसमेंटलिंग करना, रीमैन्युफैक्चरिंग करना, उसका बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये बाद में जाकर बहुत ही बड़ा ह्यूज इश्यू बन जाएगा, एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग में 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, पहला क्या है, टू पर्टेन ई वेस्ट इको पार्क, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क बनाने की बात की गई है। ऐसे मैं आपको बताया, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ई वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ओके, और यहां पर बताया, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर हैप्पी टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट इन दिल्ली, एज अ कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर दिस। ठीक है, बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हम इस टाइप के प्रोजेक्ट को यहां पर लेकर आए हैं। ओके, एंड दिस विल बी द कंट्री फर्स्ट सच टाइप ऑफ ई वेस्ट इको पार्क विच विल बी एस्टैब्लिश इन द कैपिटल। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच यू शुड नो, दैट दिल्ली इज ऑल सेट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट एवर ई वेस्ट इको पार्क। ठीक है, दिल्ली के नरेला में, जो कि कहां पर लोकेटेड है,
नॉर्थ दिल्ली में ये लोकेटेड है, ठीक है। दिस विल गिव बूस्ट टू टूरिज्म को भी ये बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। टूरिज्म को भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, टूरिज्म को बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ईवेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो कि अट्रैक्टिंग होगी, तो वहां पर लोग टूरिस्ट वहां पर आएंगे, वहां विजिट करेंगे और एक टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 कल के दिन हमने सेलिब्रेट किया। क्या थी थीम, हिस्ट्री क्या थी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्या सिंबल है, हम लोग सारी चीजें इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल हम लोग डिस्कस करते हैं, हर साल इसको मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो 2021 में भी इसको सेलिब्रेट किया गया था, 2022 कल के दिन हमने इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। सो इसकी सिग्निफिकेंस हमेशा लगभग सेम ही होती है, ठीक है। थीम हर साल अलग अलग होती है लेकिन सिग्निफिकेंस और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सेम होती है कई हद तक। ओके, जैसे कि जीरो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के टुवर्ड्स ये काम करता है, से नो टू रेसिज्म के टुवर्ड्स, एवरीवन हैज राइट टू फूड हेल्थ एंड सिक्योरिटी के टुवर्ड्स, प्रोटेक्ट द मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को, मार्जिनलाइज सेक्टर ऑफ कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना, चिल्ड्रंस हैव राइट्स, चिल्ड्रंस के पास राइट होगा, ओके, ऑल पीपल्स क्रिएटेड इक्वल, जो भी जितने भी लोग हैं सारे इक्वली क्रिएटेड हुए, तो उनके बीच में माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी का कहां से ऑप्शन आ गया, ठीक है, उनके बीच में भेदभाव कैसे हो गया। ओके, से नो टू एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, माई बॉडी माई चॉइस, ऑल वुमेन एंड गर्ल्स हैव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, ओके, डिक्रिमिनलाइज ड्रग्स यूज एंड सेक्स वर्क, My health, my right, end poverty, debt relief for development, healthcare based on needs, not money, life-saving vaccines and medical should be available to all, equal pay for equal work, focus on abilities, not on disabilities, equal right for girls to learn. So, okay, these things must be focused. ये सब चीजें सारी focus करनी चाहिए क्योंकि ये सब चीजें as a discrimination की नजर में आती है। Okay, हमने अपने आप में ही हमने distribute कर लिया है various categories में, हमने अपने आप को disintegrate किया है various categories में on the basis of जेंडर आइडेंटिटी, रेस, क्लास, सेक्सुअल ऑरिएंटेशन, सेक्स ऑक्यूपेशंस, इनकम, डिसेबिलिटीज, ठीक है। सो ये सब सारी चीजों में हमने अपने आप को क्या किया है, डिसइंटीग्रेट किया है, ठीक है, हमने इसमें ही भेदभाव करना स्टार्ट किया है। ओके, मैं आपको बता दूं कि आज के रेट में मेंटालिटी लोगों की बन गई है, लेकिन अभी आज के रेट में ये सब चीजें कम भी हो गई है, डिस्क्रिमिनेशन जो है आज के रेट में कम हो गई है, लेकिन बोलते हैं ना ये बहुत ही फेमस ये डायलॉग भी है या फिर बोलते हैं फेमस स्लोगन भी है, दैट रिचर गेट्स मोर रिचर एंड पुअरर गेट्स मोर पुअरर, ठीक है। सो ये सब चीजें मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करती है और आज के डेट में डिस्क्रिमिनेशन हल्का बहुत थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, कुछ परसेंटेज कम हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, ओके, लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं खत्म नहीं हुई है, ठीक है, खत्म नहीं हुई है। ओके, ये सब सारी चीजें कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। पहले क्या हुआ करता था, पहले लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत किया करते थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्स, डिसेबिलिटीज, सो इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन पहले देखा जाता था, लेकिन आज की डेट में सबको इक्वल, सबको इक्वल के समान लगभग देखा जा रहा है। ओके, सो टू बैटल अगेंस्ट द मेंटालिटी दैट स्पार्क इशू केस ऑफ वायलेंस, जनरल वायलेंस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मार्च 1st, ठीक है, इस मेंटालिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, केस ऑफ वायलेंस के खिलाफ, जनरल वायलेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को मनाया जाता है हर साल 1st of March को, ठीक है। पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था, 2013 में, और 1st of March 2014 में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पहली बार मनाया गया था, ठीक है, और द डे वाज फर्स्ट लॉन्च बाय माइकल सिडबे, ठीक है, माइकल सिडबे जी के द्वारा, जो कि डायरेक्टर हैं किसके, यूनाइटेड नेशन एड्स के डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा 2013 में ये लाया गया था, ये आइडिया लाया गया था, ओके, और 1 मार्च 2014 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ओके, सो इसमें मैं आपको और चीज इंक्लूड कर दूं कि यूनाइटेड नेशन एड्स लेड द वे टू कैटर द पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ देयर अलाइनमेंट्स, जिनको भी एड्स, जो भी एड्स और एचआईवी से पीड़ित लोग हैं उनको उनको भी डिस्क्रिमिनेशन की नजर में देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की नजर से देखा जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ देयर अलाइनमेंट्स, ठीक है, उनके अलाइनमेंट्स की वजह से, उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, उनकी मेंटालिटी, उनकी जो नॉलेज को चेक करके नहीं देखा जाता उनको डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, उनकी इनकम भी अच्छी खासी होगी, अगर उस पीपल को, मान लीजिए सपोज एक पर्सन ए है, उसको अगर एचआईवी है, एड्स है, ठीक है, और उसकी अच्छी इनकम है, अच्छा ऑक्यूपेशन, अच्छा ऑक्यूपेशन है, अच्छे लेवल पे वो बंदा, अच्छा क्लास का है, ठीक है, जेंडर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत ही हाई इनकम वो बंदा है, ठीक है, लेकिन अगर उसको एचआईवी एड्स हो गया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दियर प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दियर अलाइनमेंट, उसको डिस्क्रिमिनेशन की नजर में देखा जाता है। ओके, सो ये सब सारी चीजें निकल के 2021 का देखिए, कुछ मैं आपको
बता दूं कि अर्जेंट एक्शन लेना था किसके रिगार्डिंग, इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग। ये आई थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन 2021 का ये मेन एम था कि अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए किसके रिगार्डिंग, इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग इन द सेक्स, एज, हेल्थ स्टेटस, ऑक्यूपेशन, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ड्रग्स यूज, जेंडर आइडेंटिटी, रेस, क्लास, इथनिसिटी, रिलीजन, ठीक है, सबके रिगार्डिंग एक अर्जेंट एक्शन लेने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी ताकि हम इनइक्वालिटी को हटा सके। सो 2022 का भी कुछ ऐसा ही थीम है, ठीक है, थीम आप देख सकते हो 2022 का भी कुछ ऐसा ही, कुछ ज्यादा चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते नहीं है पिछले साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लगभग जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका 70% से भी ज्यादा हमें वहां पर इक्वालिटी देखने को, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ओके। और ये बहुत ज्यादा हैम्पर कब हुआ, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव में कब आया, जब 2020 एंड 2021 में कोविड बहुत ज्यादा हिट किया उस टाइम पे। तो 2020 कोविड स्टार्टिंग फेज था, 2021 में और कोविड पीक पॉइंट पर था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला इनइक्वालिटी देखने को मिला, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। उस टाइम पे पुअरर गेट्स मोर पुअरर होते गए और रिचर गेट्स मोर रिचर होते गए, ठीक है। सो उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा हद तक निकल के सामने आई। लेकिन जो कल के दिन जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया वो उसकी थीम क्या थी, थीम लिख लीजिएगा, रिमूव लॉ दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर, ठीक है। ऐसा लॉ को रिमूव कीजिए जो कि हार्म पहुंचा सके, हानि पहुंचाता है, ठीक है, और ऐसे लॉ को बनाइए जो लोगों के बीच में एम्पावर क्रिएट कर सके, ठीक है, ठीक है, लोगों को अथॉरिटी दे सके, ठीक है। सो इस टाइप की चीजें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया कि कल के डेट की क्या थीम थी, रिमूव लॉ दैट हार्म, ठीक है, ऐसे लॉ को रिमूव कीजिए जो कि लोगों को हानि पहुंचाए, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे, जो भेदभाव क्रिएट करे, और ऐसे लॉ को लाइए, ऐसे लॉ को एक्ट बनाइए जिसको क्या हो सके, जो एम्पावर कर सके लोगों को, ओके। और इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, 1 मार्च 2014 में इसको पहली बार मनाया गया था, और किसके द्वारा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किसके द्वारा मनाया गया था, माइकल अब्डेदी के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। इस साल की थीम आपको क्लियर हो गई है, रिमूव लॉ दैट हार्म्स, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर, ओके। हिस्ट्री इसकी मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है, क्लियर कर दिया कि ये सब सारी चीजें मैं आपको बता दूं 2030 तक प्लानिंग किया गया है कि हम एचआईवी और एड्स के ऊपर हम काम खत्म, मतलब एचआईवी और एड्स को हम खत्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये हम जब ही कर पाएंगे जब हमारे बीच में इनइक्वालिटी खत्म होगी। हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, हमारे पास नॉलेज भी बहुत है, कैपेबिलिटीज भी बहुत है और टेक्नोलॉजीज भी बहुत है। लेकिन हम जब ही कर पाएंगे जब लोगों की मेंटालिटी सुधरेगी, लोगों की इन लोगों के बीच में इनइक्वालिटी खत्म होगी, ठीक है। सो ये सब सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो आंसर राइटिंग होती है ये सब सारी चीजें वहां पर कहना पड़ेगा, ओके। यूनाइटेड नेशन एड्स सेड मेक सम नॉइज अराउंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन टू स्पीक अप एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन from standing in the way of achieving ambition, goals and dream, okay। कुछ आवाज उठाइए किसके खिलाफ, जीरो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, ताकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो कम हो जाए, ठीक है, लोगों को एड्रेस कीजिए, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट कीजिए, मतलब उसको कम कीजिए, खत्म कीजिए, ठीक है, ताकि हम एक जो गोल हमने अपनी कंट्री का सेट किया है उसके तरफ हम बढ़ पाए, ठीक है। हम इसी गोल की बात करें, 2030 की बात कर रहा हूं मैं आपको, एचआईवी और एड्स की जो हमने गोल सेट किया कि 2030 तक हम इसको खत्म कर देंगे, उसी की बात यहां पर चल रही है, ओके। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के ऊपर कुछ कोट्स होते हैं जो कि आपको लिखने होंगे, अगर आप यहां से इस कोट्स के साथ अगर कोई आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, ओके। सो आप इस टाइप के कोट्स वहां पर लिख सकते हैं, दीज आर द कोट्स फॉर यू, ओके। एक मैं फेमस कोट बताता हूं महात्मा गांधी जी के द्वारा, दैट आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डायवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। सो दिस थॉट हैज बीन सेड बाय द महात्मा गांधी जी के द्वारा यह बताया गया था। ऐसे ये चार थॉट है, अगर आप चाहें तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग आपको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होंगे, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम लोग 2022 में 1 मार्च को हमने कल के दिन मनाया, ओके। और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस थी, बहुत इसके थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इसका सारी चीजें क्लियर कर दिया, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के ऊपर हम मूव करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज के, ओके। पहली क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022? नेशनल साइंस डे 2022 की थीम क्या थी? आप सबको पता है फरवरी 2028 को हमने नेशनल साइंस डे मनाया, और हर साल हम फरवरी 28 को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, ठीक है। इसकी थीम बताना है कि 2022 की ये थीम क्या थी। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत, सी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, एंड डी अमृत
काल विज्ञान। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन, मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूं। अब आंसर बता देता हूं, ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आज इस साल की थीम थी किसकी, नेशनल साइंस डे की। हर साल हम लोग 2800 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, किस लिए मनाते हैं, ताकि हम लोग रिकॉग्नाइज कर सके साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो भी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, जो भी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन में साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये 1928 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जब इंडियन फिजिस्ट सीवी रमन जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी इन द फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के फील्ड में, जिसको हम लोग रमन इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। तभी से हम इसको 28 को सेलिब्रेट करते हैं हर साल साइंस डे के नाम से। और इस साल की थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू शुड नो दैट इस साल की थीम क्या थी, आपको पूछा जा सकता है। ये तो कॉमन है, आप सबको पता है कि 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, लेकिन थीम चेंज होती है, हर साल की थीम चेंज होती है। ओके, तो आपको थीम याद रखनी है। ओके, सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस। फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस में एक प्लेटफॉर्म है, स्विफ्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर एस क्या, एस का मतलब क्या है। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए सिक्योर, बी सोसाइटी, सी सिंपल एंड डी सर्विस। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में बहुत ज्यादा न्यूज में है। रशिया, आप पता है रशिया आज के डेट में बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म भी आज के डेट में बहुत ज्यादा न्यूज में है। सो इसकी फुल फॉर्म आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये वर्ल्ड का लीडिंग प्रोवाइडर है, किसका, वर्ल्ड का लीडिंग प्रोवाइडर है, किसके लिए, फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस के लिए। ठीक है, सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर है। और अभी ये न्यूज में इसलिए है, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, डिसाइड किया है कि ये जो नंबर्स ऑफ रशियन बैंक्स हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ रशियन बैंक्स हैं फ्रॉम द स्विफ्ट प्लेटफॉर्म, जितनी भी स्विफ्ट प्लेटफॉर्म है उस पर जितने भी रशियन बैंक्स हैं उनके नंबर्स को कम किया जाएगा, कट ऑफ किया जाएगा। किसने डिसाइड किया है, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ये डिसाइड किया है। ठीक है, आज के डेट में जो रशिया एग्रेशन शो कर रहा है यूएसए के खिलाफ, इसके रिगार्डिंग ये फैसला लिया गया यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि नंबर्स ऑफ रशियन बैंक को क्या कर दिया जाएगा, कट ऑफ किया जाएगा, कम किया जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। ओके, सो इसके रिगार्डिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि स्विफ्ट क्या है, दैट इज एस स्टैंड फॉर सोसाइटी। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।